तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल कृपया में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 17। दोस्तों हम खेल रहे हैं पोकेमॉन रेड चैप्टर। तो पिछले ही एपिसोड में हम जाते हैं विरिडन सिटी में, एक जगह में जहाँ पे बहुत सारे कंगस्खन होते हैं। वो इनका एक मल्टी डिमेंशन सा कोई जगह होती है, वहाँ पे जाके कंगस्खन से मिलके आते हैं, एक पर्सन से भी मिलते हैं जो बताते हैं कि वहाँ पे हज़ारों सालों से हैं। उसके बाद हम आते हैं फिशर सिटी में, यहाँ पे हम जाते हैं सफारी जोन में जहाँ पे हम मिलते हैं एक एंशियंट टर्टल पोकेमोन से। हमने फाइनली वो एंशियंट टर्टल पोकेमोन पकड़ लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पिछले मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है, तो दोस्तों ये है ऑडिश। तो सबसे पहले आंसर दिया है जय भाई ने, फिर दिया लक्ष्य भाई ने, फिर दिया सलमान भाई ने, फिर दिया हर्ष भाई। दोस्तों ये वो डीप पोकेमोन हार्ट फैन थे जिन्होंने जवाब दिया। दोस्तों अगर आप डीप पोकेमोन हार्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे। तो क्वेश्चन कुछ जगह स्ट्रीम पे आने वाला है। चलो चलते हैं पहले सिनेबार आइलैंड, क्योंकि हमारे पास जो पिछला टिकट मिली थी ना हमको अपनी वो न्यू आइलैंड वाली शायद, हाँ, तो वो उसी टिकट से हमें कहीं पे जाना है। पहले हम चलते हैं पोकेमोन सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ब्लू भी यहाँ पे है और साथ में भी न्यू आइलैंड की तरफ जाने वाली हैं। ओके तो यहाँ पे ब्लू भी है, ओके तो हमसे मिल चुकी है ये वैसे, ओके तो ये भी जाने वाली, इसके लिए इन्विटेशन मिला है न्यू आइलैंड का। ओके गैरी भी आ चुका है और ये भी जाने वाला है न्यू आइलैंड की तरफ, ये तो बढ़िया है, सबको इन्विटेशन मिला है। और ड्रैगन नाइट एक हवा में आकर मतलब देखे गया था मतलब स्काई में, और हमें तो मतलब यहीं पे मिल चुकी थी, टेबल पे पड़ी है सिनेबार आइलैंड पे ही, मतलब इधर से चोरी की हुई ना एक तरह से। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम एक बार जगह देख लेते हैं। तो सब लोग वहीं पर निकलने वाले हैं क्योंकि वो बोल रहे वो रिच और पावरफुल पर्सन है, इसलिए वहाँ पर वो जाना चाहती है। तो बस उसका यही कारण है कि वो यहाँ मतलब वहाँ पर जाना चाहती है। कोई बात नहीं, तो ये भी निकलने वाली है यहाँ से, तो हमें भी चलना चाहिए उस सिटी की तरफ, मतलब उस आइलैंड की तरफ। ओके म्यूटू स्ट्राइक बैक, तो मतलब अभी भी म्यूटू से हम मिल सकते हैं, अभी हमारे पास चांस है दोबारा से। और वैसे मैंने भी कपड़े टीम रॉकेट के पहन रखे हैं, अब हम मिलेंगे म्यूटू से। पहले हमें चलना चाहिए यहाँ से, दिखना चाहिए कि कहाँ पे हो सकता है अपना न्यू आइलैंड जाने का रास्ता। मुझे हिसाब से कहीं सर्फ करना होगा ना, और शायद वो सर्फ करना होगा इस तरफ से। हम पहले सर्फ करते हैं और जाके देखते हैं कि कहाँ पे है रास्ता। शायद इस बार हम ऐश भी मिल पाए, मुझे लग रहा है कि ऐश के होने की संभावना भी है क्योंकि म्यूटू स्ट्राइक बैक में ऐश भी था। और वैसे हम भी जाने वाले हैं, पर मुझे लगता तो नहीं था कि नहीं, वैसे मतलब मूवी के हिसाब से ऐश तो ग्रेड से नहीं मिला कभी भी जितना मुझे पता है, बाकी देख लेंगे। वैसे मैं भी टीम रॉकेट की ड्रेस पहनी, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये, पर देखते हैं चलो। और इसके आगे शायद फाइट ना हो जाए, अरे भाई साहब इस मोहतरमा ने पकड़ लिया, अब अभी हम रन करेंगे यहाँ से। अरे यार दोबारा पकड़ लिया है क्या, मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा दूर से जाना चाहिए। हम नीचे की साइड चलते हैं और मे बी यहाँ पर कोई फ़ाइट ना हो। अरे यार ये बंदा खड़ा है यहाँ पर, शायद ये फ़ाइट कर सकता है। ऊपर जाके देखते हैं, बस अब ऊपर से रास्ता निकल जाएँ हम शॉर्टकट से। वाह रास्ता ही ऐसा बनाया कि यहाँ से कोई भाग ही ना पाए, तो हमें उससे फ़ाइट करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही वो हमें जाने देगा। तो गाइस मैंने इसको फाइनली डिफ़ीट कर दिया है, अब हम इसको डिफ़ीट करने के बाद अब चलते हैं आगे की साइड। ओ हमारे ये कपड़े लाल क्यों हो गए, रुको एक बार हम अपनी ओरिजिनल ड्रेस पहन लेते हैं, शायद कभी कुछ हो गया है। हमारी ओरिजिनल ड्रेस कहाँ गई, ओके गाइस तो ये ओरिजिनल ड्रेस पहनने के बाद अब मैं मतलब हवा में हूँ पानी के, और मुझे मेरा पॉलीवर्थ दिख ही नहीं रहा है, और ये सफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है। लगता है इससे हम आइलैंड पे नहीं जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है गेम लोड करनी पड़ेगी। तब भी मैं एक बार आइलैंड की तरफ जाके देख लेता हूँ, शायद हम जा पाएँ, नहीं जा सकते हैं। चलो फिर गाइस गेम लोड करते हैं। तो गाइस मैंने अपनी गेम लोड करी, हमें इसी हालत में वहाँ तक जाना होगा। फिर मैं ज़रा अपने ज़रा ओरिजिनल फॉर्म में आता हूँ, क्योंकि यार इतना अच्छा पोकेमोन ड्रेस लग रही थी मुझे टीम रॉकेट की, और इन्होंने पता नहीं रेड और ब्लैक का मुझे चोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम आँखों में कुछ पट्टी वगैरह बांध रखी हो। ऐसा करते हैं यार, वैसे पोकेबल है भी नहीं, चलो छोड़ो पोकेबल करनी भी क्या हमने, वैसे भी जो पोकेमोन चाहिए होते हैं रेड ने खुद पकड़ ही देता है, वो हमें इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नॉर्मल हो चुके हैं शुक्र है। अरे नर्स जॉय, तो यहीं पे अब हमें वेलकम बोल रही है, तो वही नर्स जॉय है जो मिसिंग हो गई थी ना पोकेमोन सेंटर में, जो बात कर रहे थे तुम मिस्टेकन हो, मैं यहाँ पर अपने मास्टर की सर्विस के लिए आई हूँ, मतलब मास्टर मीन्स हमारा प्यारा म्यूटू। चलो एंटर करते हैं, अरे हम बार बैक क्यों मार रहे हैं, अच्छा यहाँ से एंट्री है, बता दिया करो ना यार एंट्री यहाँ से है। अरे यार ये सब लोग शुरू भी हो गए खाना पीना, ओके हमने बहुत टाइम ले लिया, हाँ वो हम जरा रास्ते फंस चुके थे। ओके तो ये यहाँ पे कोई आने वाला है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेयर हु आर यू मिस्टर, वो अपना सलाम बता रहे हैं। अब ये अपना फिर से ब्लू जाऊ चला रही है कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ, तुम्हारा गैडोस मुझे बहुत पसंद आया, पर उसका हमारा मास्टर आने वाला है। तो हमारे सामने है म्यूटू,
पर मीडो ने पकड़ तो लिया था। होल्ड द बिलोंग ऑफ ये दिस इज म्यू टू, मैंने पूरा पढ़ नहीं पाया क्या लिखा था सही से। ओके ये बोल सकता है, हाँ म्यू टू अपनी साइकिक पावर से बोल सकता है। म्यू टू एक प्रोजेक्ट है और मे बी ये यहाँ पे थोड़े क्लोन्स वगैरह, पर मैंने म्यू टू को पकड़ के ब्लेड को दे तो दिया था, तो ब्लेड से का छूट के भाग गया था ये वहाँ। बे यार ब्लेड में पोकेमॉन संभलता नहीं है। तो ये नर्स जो है कि अरे ये पीछे क्यों मार रहा है हमें, हमारी गलती क्या है। इट्स पावरफुल, हाँ ये बात तो है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। गैरी कोई होशियारी मत करना बस, ऐसे तुम्हारे चक्कर में हम भी फैल जाएँ। ओके तो ये हमें साइकिक पावर से मतलब उठाकर यहाँ पे ले आए हैं, और मतलब इसको नर्स जॉय को। ओके गैरी कुछ करने वाला है, गैरी फूल क्या, अरे इसने तो एरिलिसिस किया है। अरे पिजोटो गया, नो पिजोटो रिटर्न। ओ यार सब कुछ यूजलेस है, वो खुद बोल रहे हैं। ओके तो डू यू वॉन्ट टू टेस्ट मी, हाँ क्यों नहीं आ जा बताते हैं तुझे। ओके गाइस वो लगता है ऊपर की साइड गया, हमें एक बार ऊपर की साइड चलना चाहिए क्योंकि उसने बोला वो हमें टेस्ट उसको हम कर सकते हैं। ओके यहाँ पे एक फ़ाइट होने वाली है तो हम भी फाइट में हिस्सा ले सकते हैं इनके साथ ही। एक वीनस वाला ना, वीनस वाला हमारा ही होगा वो, पहले ज़रा बात करते हैं। ओके तो यहाँ से ये क्या बोल रहा है, बी केयरफुल टू डेंजरस, मुझे पता है भाई। ओके तो लगता है अब करना क्या होगा, यहाँ से इससे बात करूँ, यहाँ पे दीवारों पे कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल बेकार है और कॉपी बढ़िया है, अच्छा ये बोल रहा है। म्यू टू भाई कैसे हो, ओके हम तैयार हैं। तो ये बता रहे हैं कि कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा बेस्ट है, ओरिजिनल की पावरफुल कॉपी ज़्यादा पावरफुल है इसका ये कहना है ओरिजिनल से। ओके तो म्यूटू अपना हमला करने वाला है, पहले आ रहा है ग्रीन का चारिज़ार्ड। ओके उसका भी चार्ज चढ़ा के गो चारिज़ार्ड, ओ नो सेक्समी स्टॉक किया उसने, ओ भाई पटक कर बाहर मारा उसको, इसका काम तो ख़त्म। नेक्स्ट पोकेमॉन ब्लास्टोइस वर्सेस ब्लास्टोइस, ये भी गया। चलो भाई हमारी बारी, विनसॉर वर्सेस विनसॉर, आ जाओ विनसॉर, हम बताएंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। जाओ विनसॉर, अरे हमें खुद फाइट करनी पड़ेगी। अरे हाँ ये बिल्कुल क्लोन विनसॉर जैसे लग रहा है, इसके मुँह पर वैसे ही दाग वगैरह से हैं जो होते हैं क्लोन पे। अरे यार मेरे को कही थी वो पड़ा था आइस बीम। विनसॉर अरे हम जीते हैं भाई, ओके हम हार गए इसका मतलब। ओके विनसॉर टेक, उसने हमें वापस बुला लिया विनसॉर को। ओके तो देखते हैं ये क्या करने वाला है, ये पटक कर बाहर ना मारे हमें बस। हाँ हम भी अपना ज़्यादा ही वो गुस्से वाला रूप दिखा रहे हैं। हाँ तुमने क्या किया मेरे साथ, हाँ सही कहा, हम कहाँ पे है भाई, क्या हमने क्या हमने उसको, अच्छा मेरी लाइफ नहीं ली उसने, फिर ठीक है। ओके तो उसने पटक कर बाहर मार दिया, ये तो गलत बात है भाई, अब हमें चलना चाहिए। अरे रिपल ख़त्म हो गया, यस कर देते हैं और चलते हैं उसके बाद दोबारा वापस। वो समझता क्या अपने आप को कि हमें हरा सकता है, एक बार एंट्री मारते हैं यहाँ से, मार के देखते हैं। अब तो मैं उसको हरा ही दूँगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी उसको हराना। ओके अब यहाँ से सीधा चलना चाहिए हमें, और यार से एग्ज़िट कहाँ होगा यहाँ पे, ये शायद हम मतलब बैक साइड की तरफ हैं शायद, मे बी मुझे लग रहा है कि ये बैक साइड है, ये फ्रंट नहीं है ये बैक है शायद। मैं नीचे की तरफ देखता हूँ मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ जाके, हाँ शायद हम ये बैक साइड की तरफ आए हैं। अरे यहाँ पर एंट्री, अरे हम गिर गए, ओ ब्रो हम आ गए हैं नोरवे। यहाँ पे वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और रीजनल बसेस अदर के बीच में लड़े पड़े हैं भाई, इनका क्या करें, हम आ चुके हैं तुम्हें हरा कर छोड़ेंगे। म्यू टू ये क्या हो रहा है, व्हाट म्यू, म्यू हमारी मदद करना है, यही है वो फैंटम पोकेमॉन, तो यही है म्यू जिससे क्लोन से म्यू टू बनाया, म्यू ओरिजिनल है म्यू टू क्लोन है। अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई है। ओके लगता है हमें यहाँ पे कुछ सबूत वगैरह ढूंढने चाहिए कि म्यू टू उसका सबका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ है। शायद मुझे पीछे बाहर मैंने कुछ देखा था ना, शायद मे बी उसका कोई लिंक हो इन चीज़ों से, हमें एक बार जाके देना चाहिए। वो अभी फ़ाइट कर रहे हैं, सबके सब फाइट कर रहे हैं, नर्स जॉय भी नॉर्मल हो चुकी हैं, पर हमें चलना चाहिए बाहर की तरफ जहाँ से हम पहले आए थे ना, मे बी मुझे वहीं से जाना चलना चाहिए क्योंकि मैंने एक दो चीज़ स्किप कर दी है शायद, और शायद वही हमें इस चीज़ का सब कुछ बता सकते हैं तोड़, क्योंकि मैं म्यूटू को रोकना किसी भी हालत में। व्हाट दिस डोर इज लॉक, डोर को लॉक कर दिया हमारे लिए भाई उन्होंने, यहाँ पे देखते हैं, लगा ही था मुझे इन जो ये दीवारों के भी ये छेद है ना, हमें कहीं ना कहीं लेके जरूर जाएंगे। नहीं यार मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कुछ खास, यहाँ पे हमें एक बार बाहर के साइड चलना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होगा ज़रूर यहाँ पे जो हम स्किप कर रहे हैं। ओके तो ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं है फ़िलहाल के लिए, और इन मशीन्स में देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिस्टर फूजी की, क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे इनको टास्क मिला था एक क्लोन म्यू बनाने का,
तो ये उस चीज़ पे शुरू हो गए थे, पर उनके पास डीएनए बहुत कम था और मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बन नहीं पा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो डिट्टो का इस्तेमाल करें ताकि वो इन चीज़ों को बना सके। तो जो जियोवानी है वो उनको फोर्स कर रहा था कि तुम्हें बनाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में म्यूटो को, तुम उसे कुछ भी बोलो पर मुझे नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट चाहिए। तो ब्लेड और वो लोग शुरू हो चुके थे म्यूटो के बारे में ढूंढने के लिए, डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, पर उन्हें उतना कुछ खास मिला नहीं था। और म्यूटो को वापस ज़िंदा करने के लिए वो डीएनए को मिक्स कर रहे थे। हाँ, ब्लेड ने बताया था कि उसने अपना डीएनए म्यू में डाला था, और यही बात ये ब्लेड भी बता रहा है कि वो अपना डीएनए क्लोन बॉडी को देगा, और वही चीज़ ब्लेड पहले भी किया था, क्योंकि जियोवानी चीज़ को नहीं समझेगा। तो उन लोगों से ये चीज़ बनानी शुरू करते हैं, और फाइनली उनका जो ये मिशन होता है सक्सेसफुल हो जाता है, और वे क्लोन म्यूटो तैयार कर लेते हैं। ये हुई ना बात। पर मिस्टर फुजी इस चीज़ में शामिल थे, ये भी बात सही है। मिस्टर फुजी ने कभी नहीं बताया कि वो टीम रॉकेट के लिए काम करते थे। जब हम मिले थे मिस्टर फुजी से, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था हमसे। हम ज़रा आगे की तरफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो पूरा टेबल ही खाली है, कुछ खास मुझे दिखाई नहीं। यहाँ पे इसके आगे वाला देख लेते हैं। हैं, यहाँ पे क्या है? ये क्या है ये भाई? यहाँ पे स्विच है, प्रेस द बटन क्लोन एक्टिविटी। अब हमने क्या किया? क्लोन एक्टिवेट कर दिया हमने। हैं, व्हाट वाज दैट? ये क्या है? ये मशीन है जहाँ पे क्लोन प्रोसेसिंग होते हैं। हमने क्या क्लोन बनाना शुरू कर दिए क्या? बे यार, मैं इतने क्लोन कैसे संभालूंगा? मतलब हमने क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए शायद। ओके, देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो क्लोन प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है? बाकी साइड से के देखते हैं एक बार। भाई साहब, एक बल्बस और, शायद यही है वो क्लोन बल्बस हो, बल्बस और टू। ओके गाइस, मैंने बल्बस को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर मैं बस एक ग्रेट बॉल से पकड़ी भी नहीं गई। यार, एक चारमेंडर मिल जाता तो बात ही अलग होती। मेरा लेवल ज़्यादा है ना मेरे पोकेमोन्स का, नहीं तो हम फाइट कर लेते। भाई साहब, क्लोन चारमेंडर होता है भाई, क्लोन होगा दूसरा हो। पकड़ के देख लेते हैं वो ग्रेट बॉल। नहीं, लोड करते हैं दोबारा। ग्रो ग्रेट बॉल, जाते चलो ग्रेट बॉल जितनी बार जा सकते हो। यार गाइस, ये हाथ नहीं आने वाला मुझे लग रहा है, बहुत मुश्किल है बहुत। नहीं दोस्तों, ये मेरे तो चारमेंडर भी हाथ नहीं लगा, और इसके आगे जो पोर्टल है वो भी मुझे पता हाथ लगने नहीं वाला है। हमें रन नहीं करना चाहिए था, मेरे पास तीनों पोकेमोन हो जाते हैं तीनों। चलो क्लोन डायनासोर तो मैं ना भी बनाता, पर मेरे पास चारमेंडर और पोर्टल हो जाते, और पर मुझे नहीं मिल पाए वो। भले क्लोन हुए फिर भी मिलने चाहिए थे। तो हम आ चुके हैं वापस, हमने सब मिस्ट्री सॉल्व कर लिया ऊपर की क्या क्या चीज़ सीन हुआ था। एक बार हम म्यूटू के पास जाके देखते हैं क्या हुआ। म्यूटू भाई, अब मत लड़ो तुम लोग, बस बहुत हो गया। नहीं, वो लड़ने से हट नहीं रहे हैं, वो अभी भी लड़ने में विश्वास रख रहे हैं कि कौन बेस्ट है इस चीज़ में। पर तुम सबके सब बेस्ट हो यार, ज़्यादा मुझे म्यूटू ज़्यादा बेस्ट लगता है, और जैसे नॉर्मल पोकेमोन ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि इनको अच्छा अटैक आते भी नहीं। म्यूटू को, म्यूटू वॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। अरे यार शांत हो जाओ म्यूटू, तुम दोनों ही ओरिजिनल लो, चलो समझ लो। अरे ये तो यार जैसा हो गया, ये भी पत्थर बन गया। अरे यार ये क्या हो रहा है? अरे हमको नॉर्मल करो भाई, ये सब लोग सैड हो जाएंगे, अब रोनाएंगे और हम नॉर्मल हो जाएंगे। जल्दी रो, टाइम नहीं है। ओ भाई, हम नॉर्मल हो चुके हैं। यू आर ओके? हाँ हम ठीक हैं। तो म्यूटू बोल रहे कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, यही चीज़ बेस्ट रहेगी। हाँ हम ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, तो म्यूटू अब चला गया है, और हम यहाँ पोकेमोन सेंटर में कर क्या रहे हैं? एंड हो चुका है दोस्तों ये चैप्टर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो या लाइक शेयर करो, कमेंट करो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।